वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में क्लास 11 चैप्टर 6 यानी वर्क एनर्जी पावर खत्म कर चुके हैं बच्चों। इसकी थ्योरी, अब इसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी में है वो हमें पहले वो सॉल्व करने हैं। तो एक बार आप समरी देख लें ध्यान से। सो अपनी बुक आप खोल सकते हैं बच्चों। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। सो के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ए फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या पहचान है? पहला पॉइंट, वर्क डन बाय इट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ इनडिपेंडेंट। पाथ अगर पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली स्टार्टिंग और एंड पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है तो कंजर्वेटिव है। डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स मीन्स एक्स आई एंड एक्स एफ। दूसरी पहचान है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो फॉर एन आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट such that it returns to its initial position. तो दो पहचान तो यहाँ पे लिखी हुई है, इन ए क्लोज पाथ वर्क डन जीरो होगा, और तीसरी पहचान मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जीरो होगा, या जीरो नहीं होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स इन 1D वी मे डिफाइन ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे V से दिखाया, कैपिटल V से, फंक्शन ऑफ पोजिशन वी एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वी एक्स बाय डी एक्स, यानी माइनस डी यू बाय डी आर जो फॉर्मेट था जिससे आप फैमिलियर हैं, वो फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और वी एफ माइनस वी आई जो होगा वो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। वी आई माइनस वी एफ, ये जो माइनस साइन था उसको अकोमोडेट कर दिया, तो वी एफ माइनस वी आई की जगह आ गया वी आई माइनस वी एफ, यानी यू आई माइनस यू एफ भी मैं कह सकता हूँ इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द ओनली फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव। तो फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एट ए हाइट एक्स अबाउट द अर्थ सरफेस इज, ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, यू से भी दिखा सकते हैं, वी फंक्शन ऑफ एक्स से दिखाया, एम जी इंटू एक्स जो आप जानते हैं एम जी एच है वो एच की जगह एक्स है। वेयर द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट इज इग्नोर्ड। हमने माना है कि g की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, हाइट के साथ चेंज नहीं हो रही है, ये माना है हमने यहाँ पर। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड एक्सटेंशन x इज, वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज रिटन एज a डॉट b एंड इज ए स्केलर क्वांटिटी गिवन बाय a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। थीटा एंगल है a और b के बीच का, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जो कि डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ थीटा पर। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो नेचुरली ये क्या होगा, कॉस जीरो से लेकर कॉस 90 तक वैल्यू वैरी करती है, वन से लेकर जीरो के बीच में, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कैन बी इंटरप्रिटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर एंड कॉम्पोनेंट ऑफ द अदर वैक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट वैक्टर। यूनिट वेक्टर्स के लिए हमें पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, क्योंकि कोई वेक्टर खुद के साथ जीरो डिग्री एंगल बनाता है तो स्क्वायर करना है तो भी हम, यानी वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सब ये यूनिट वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड वन है तो ये वन ही आएगा, जबकि आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई थीटा 90 होने की वजह से जीरो हो जाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट्स ओबे द कम्यूटेटिव एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो हमें पता है एफ डॉट वी फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें इसमें करना है, पावर पी इक्वल टू एफ डॉट वी। ये फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में काम आई है, वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग कांस्टेंट पावर, जिनके सिंबल्स और डायमेंशंस यूनिट्स फॉर्मूले, ये काम के फॉर्मूले हमारे, तो इनको लिखकर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई इज द टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट्स टू पॉन्डर, द फ्रेज कैलकुलेट द वर्क डन इज इनकम्प्लीट, वी शुड रेफर टू और इम्प्लाई क्लियरली बाय कॉन्टेक्स्ट टू द वर्क डन बाय स्पेसिफिक फोर्स और ए ग्रुप ऑफ फोर्सेज ऑन ए गिवन बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। तो
कई बार आप क्वेश्चन में देखेंगे सिंपली वर्क डन लिखा रहेगा, अब उसका मतलब क्या समझें, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो डिफॉल्ट से बच्चों जहां सिर्फ वर्क डन लिखा है वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें साथ में ये जानकारी और चाहिए इस पॉइंट के हिसाब से, पर नहीं मिल रही है ये जानकारी, इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, वर्क डन को हमेशा हम कंसिडर करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक मास एंड काइनेटिक एनर्जी विच आर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज नेगेटिव, क्योंकि ये विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में लगते हैं डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जो सपोज डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उसके अपोजिट लगते हैं। फॉर टू बॉडीज द सम ऑफ द म्यूचुअल फोर्सेज एग्जर्टेड बिटवीन दैम इज जीरो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं, सो F12 प्लस F21 इक्वल टू जीरो, बट द सम ऑफ द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज नीड नॉट ऑलवेज कैंसिल, वो जरूरी नहीं है। However, it may sometimes be true. कभी कभी हो सकता है जीरो, कभी ये भी हो सकता है कि जीरो ना हो। तो ऐसा कौन सा केस होगा सोच कर देखिए। The work done by force can be calculated sometimes even if the exact nature of the work force is not known. This is clear from example 6.1 where the work energy theorem is used in such a situation. जहां पे हमें ये नहीं पता होता तो भी हम, यानी फोर्स का एग्जैक्ट नेचर नहीं पता होता तो भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। द वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इनडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, द वर्क एनर्जी थ्योरम मे बी व्यूड एज ए स्केलर फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। तो नोट कर लीजिए, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्केलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ इज इक्वलेंट टू, सो स्केलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ इज इक्वलेंट टू वर्क एनर्जी थ्योरम। The principle of conservation of mechanical energy may be viewed as a consequence of the work energy theorem for conservative forces. The work energy theorem holds in all inertial frames. दो तरह के frames होते हैं बच्चों, inertial and non-inertial या accelerated. तो वो सभी जिसमें Newton का law of inertia valid है, जो या तो rest पर हैं या constant velocity से किसी particular direction में जा रहे हैं, उनको बोलते हैं inertial frame. It can also be extended to non-inertial frame provided we include the pseudo forces in the calculation of the net force acting on the body under consideration. Non-inertial में तभी consider कर सकते हैं pseudo force. अब pseudo force आपको clear होना चाहिए concept, what is pseudo force? जब आप बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और वो turn ले रही है, तो आपको बाहर की तरफ एक force लगता है। जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर में डालते हैं, वॉशिंग मशीन में, वो छेद वाला ड्रम जो होता है, तो कपड़ों के अंदर जो पानी है उस पर कोई फोर्स लगता हुआ दिख नहीं रहा है, पर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो पानी छिटक कर ड्रम में से दूर निकल जाता है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज अनडिटरमाइंड अप टू ए कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इज अ मैटर ऑफ चॉइस, डिफरेंस इज एग्जैक्ट बट पोटेंशियल एनर्जी मे चेंज एंड इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चोजन टू बी द ग्राउंड, फॉर द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेयर द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, जब ना तो वो खींची हुई है ना तो वो कंप्रेस्ड स्टेट में है। एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो एंड नो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन। ये समझने की बात है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजिशन, पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं रफ सरफेस पर तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होने वाली है सिस्टम में बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते।
ड्यूरिंग ए कॉलिजन, कॉलिजन की बात करें, द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एट ईच इंस्टेंट ऑफ द कॉलिजन। कॉलिजन में हर क्षण, एट ईच इंस्टेंट, इट मैटर्स एट ईच इंस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है बच्चों। द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इवन इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक applies after the collision is over and does not hold at every instant of collision. Competition में इस fine detail को लेकर question frame कर दिया जाता है। Kinetic energy conserved है अगर collision elastic है, पर not at each instant. It is conserved after the collision is over. In fact, the two colliding objects are deformed, और उसकी वजह से उनके अंदर potential energy आ जाती है, kinetic energy convert हो जाती है potential में, and may be momentarily at rest with respect to each other. तो उस समय kinetic energy conserved नहीं रहेगी, ये समझने की बात है, ये concept है, ये आपको समझ के चल रहे हैं। Now let's come to the exercises. Question number 6.1. तो हम ये questions करने वाले हैं बच्चों। The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. एक आदमी क्या कर रहा है, बकेट को उठा रहा है कुएं में से, भरी हुई बाल्टी, by means of a rope tied to the bucket. तो हम बोलेंगे work done positive है, क्यों? In the given case, force and displacement are in the same direction. वो ऐसे उठा रहा है, force लग रहा है ऊपर की तरफ, displacement भी बाल्टी का ऊपर की तरफ. Hence, the sign of work done is positive. Work done by gravitational force in the above case. Gravitational force नीचे लग रहा है, displacement ऊपर हो रहा है. Work done is negative. Work done by friction on a body sliding down an inclined plane. Body जो है inclined plane पे फिसल कर नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इंसिडेंस जीवन में हो सकता है कि चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ रही है और अगर ध्यान नहीं दिया, इंजन फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो गाड़ी उल्टा नीचे जाने लगी. क्या करेंगे ऐसे इंसिडेंस में? जल्दी से किसी को उतर कर पहिए के नीचे, पहिए के पीछे पत्थर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, लुढ़क नहीं. सो कोई ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा उसका साइन हम क्या लेंगे? फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करेगा, हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अपोजिट मूव करेगा, अपोजिट एक्ट करेगा फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के सपोज मोशन के. सो वर्क डन इज नेगेटिव सिंस द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अप्लाइड फोर्स जो वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Here the body is moving on a rough horizontal plane. Frictional forces opposes the motion of the body. Therefore, in order to maintain a uniform velocity, uniform force must be applied to the body. Since the applied force acts in the direction of motion of the body, the work done is positive. And the last one, work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum in bringing it to rest. तो pendulum जो oscillate कर रहा है उसको rest पर लाने के लिए जो air friction काम कर रहा है उसका work done का sign डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि पेंडुलम जब इधर जाएगा तो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट रोकने के लिए. द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पेंडुलम, हेंस द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस. तो मैं समझता हूँ आपको साइन डिटरमाइन कैसे करते हैं वर्क डन का वो समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू. तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पर है शुरू में, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1. ये चलना शुरू करती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1. हमें वर्क डन निकालना है बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में कितना वर्क करेगा? तो 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज आया हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं. फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? साइन अपोजिट हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन के लिए नेगेटिव हो जाएगा. वर्क डन बाय नेट फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज्यादा वर्क करेगा, फ्रिक्शन का वर्क उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट. इनको हमें आपस में लिंक करना है, इंटरप्रेट करना है.
कि ये ऐसा आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है, एनालाइज करना आपको आना चाहिए. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए फिर सॉल्यूशन देख लीजिए. सो हियर इज द सॉल्यूशन. मास है बॉडी का 2 kg. ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. तो हमने लिखा मास ऑफ बॉडी 2 kg, अप्लाइड फोर्स 7 N, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1, इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है u इक्वल टू 0, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. या तो आप ऐसे करें, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में चेंज. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलेरेशन निकाला एफ अपॉन एम, तो 7/2 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ म्यू एम जी, यानी 0.1 से उसको हमने मल्टीप्लाई किया, -1.96 N आ गया. एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इस फोर्स को हम मास से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सेलेरेशन आ गया. टोटल एक्सेलेरेशन a' + a". बच्चों जरूरी नहीं आप यही तरीका इस्तेमाल करें, इसे डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हैं. तो 3.5 + - तो नेट एक्सेलेरेशन 2.52. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू ut + ½ at² हमने लगाया, और यहाँ से 10 सेकंड में बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसे निकाल लिया. तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अप्लाइड फोर्स 7 N था इनटू डिस्प्लेसमेंट 882 जूल, उसी की डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स -1.96 है, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए -247 जूल. और नेट फोर्स 7 जो अप्लाइड है माइनस फ्रिक्शन का फोर्स 5.04 N, तो वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 635 जूल. और ऐसे भी निकाल सकते हैं 882 - 247, यू विल गेट द सेम. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी जब हमें मिल गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, और उससे भी हम निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 635 जूल. सो दिस इज वे हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इन फिगर 6.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन. द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय ए क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस. इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजंस इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी. सो यू हैव टू गो थ्रू द ग्राफ्स. Also indicate the minimum total energy of the particle must have in each case. Think of simple physical contexts for which these potential energy shapes are relevant. Okay, here is the first graph, potential energy, variation of potential energy with distance. Another graph. So different patterns are here. So you have to interpret these patterns. What we can conclude about potential energy from these patterns. So let's see the solution. Total energy of a system is given by the relation, we know that E = PE + KE, or KE = E - PE. Kinetic energy of a body is a positive quantity, otherwise वो बॉडी चल नहीं सकती. नेगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव स्पीड पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी स्पीड पॉसिबल नहीं है. सो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट इन ए रीजन वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. तो वो ग्राफ गलत हो जाएगा. तो पहला ग्राफ अगर हम देखें, फॉर x > a पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी से ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल माइनस पोटेंशियल, और पोटेंशियल टोटल से ज्यादा हो गई. हेंस द ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन x > a. सो लेट्स सी दिस ग्राफ हियर. दिस इज लेवल ऑफ टोटल एनर्जी E, एंड V0 दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. एंड फॉर x > a पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, सेकेंड, फॉर x < a एंड x < सो द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर.
सिंपली हमको ये देखना है कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो रही है। जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा होगी वहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी और वहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। यानी बी में पार्टिकल किसी भी रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। तो बी के लिए सही आंसर क्या होगा? द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एज सच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि पी ई ग्रेटर देन ई है, दस ऑब्जेक्ट के नॉट बी प्रेजेंट इन एनी रीजन ऑफ द ग्राफ। और सी पार्ट की बात करें हम, तो ए से बी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है तो ए से बी रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी ए से छोटा हो अगर एक्स या बी से बड़ा हो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हियर एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स ग्रेटर देन बी द पोटेंशियल एनर्जीज, तो 0 से ए तक देखा जाए या एक्स ग्रेटर देन बी के लिए देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जीज मोर देन ई, सो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन दीज पोर्शंस। तो कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? सिर्फ ए से बी तक। ऐसे डी वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी माइनस बी बाई टू से माइनस ए बाई टू तक और ए बाई टू से प्लस बी बाई टू तक इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाकी जगह एग्जिस्ट कर सकता है। द ऑब्जेक्ट के नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू टू एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू टू एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू। कौन सा रीजन? कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू टू एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू एंड एक्स इक्वल टू, ये माइनस मिसप्रिंट हो रहा है बच्चों, इट शुड बी प्लस प्लस ए बाई टू टू एक्स इक्वल टू बी बाई टू। तो करेक्शंस आर देयर, ये अलग अलग जो सॉल्यूशन छपे हुए हैं इनमें गलतियां हैं, सो बी केयरफुल जब भी आपको ये सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, बी केयरफुल। वो जो तीन सवाल तक हमने डिस्कस किया, वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस मैं लेता हूँ पार्ट 2 में। सो इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।